नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ और यह सेशन आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आइए इसके पहले आज के सेशन की शुरुआत करें, मैं आपको एक जानकारी दे दूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो देर ना करें, आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करने से आप यहाँ बिना किसी की मदद से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो चले आज के सेशन की ओर, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वाक्य में हम लेट और मेक का उपयोग किस तरह से करते हैं। लेट का प्रयोग नॉर्मली हम अनुमति मांगने के लिए करते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको अनुमति दे, अलाउ करे कुछ कार्य करने के लिए, तब आप लेट का प्रयोग करते हैं। यह आमतौर पर उस कार्य को बताता है जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, ठीक है। तो अगर लेट से कोई हमें वाक्य बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद लेट प्लस ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटिव विदाउट टू के अलावा। तो अगर जैसे कि अगर आप बोलना चाहते हैं कि अगर आप कोई परमिशन मांगना चाहते हैं, आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं जल्दी जाना चाहता था और बॉस ने मुझे परमिशन दे दी, तो इसका अर्थ हुआ कि आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरे बॉस ने मुझे जल्दी जाने दी। तो उसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, माय बॉस लेट मी लीव अर्ली। अगर आपको एक और सेंटेंस देखते हैं, अगर आपको बोलना है कि अनुराग की माँ ने उसे अपनी कार का उपयोग करने दिया, तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं कि अनुराग मदर्स लेट हिम यूज हर कार। तो ये हो गया लेट का उपयोग। यहाँ आपने देखा लेट का प्रयोग अनुमति के लिए करते हैं, या आमतौर पर उस कार्य को बताता है जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, जो है मेक। तो मेक का प्रयोग किसी कार्य को करने के लिए फोर्स करने के अर्थ में होता है, ओके। सो साधारणतः व्यक्ति उस कार्य को करना नहीं चाहता है, लेकिन आप उसको फोर्स करते हो कार्य करने के लिए। जैसे अगर आप का ये भाव बताने का है, अर्थ है कि मैं नहीं रहना चाहता था, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे देर तक रहने के लिए मजबूर किया, राइट। तो यहाँ पर ही एक फोर्स जैसी बात आ रही है, जहाँ पर ही आपके बॉस जो है आपको फोर्स कर रहे हैं लेट उठने के लिए। तो यहाँ आप बोल सकते हैं, माय बॉस मेड मी स्टे लेट, मेरे बॉस ने मुझे लेट रुकने के लिए जोर किया। मेक का उपयोग कॉज या कारण बताने के लिए भी किया जाता है। यह कारण अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जैसे कि मेरे भाई ने मुझे हंसाया, तो आप बोल सकते हैं माय ब्रदर मेड मी लाफ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमने किस तरीके से लेट और मेक का उपयोग किया। मुझे आशा है कि इस तरह के दो अलग अलग उदाहरण से, एग्जाम्पल से आपको लेट और मेक की यूज़ में सीखने में सुविधा होगी। इसी तरह के अन्य सेशन को जानने के लिए नमस्ते इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करें और अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन करें। नमस्कार।